चीफ एडवाइजर दिनेश साहनी जी, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी एमनी इरफान जी और ट्रेजरर नीरज गोरेनाथ जी। आज हम लोग जन जन जागरूकता मंच के माध्यम से जनता के बीच में जागरूकता फैलाना चाहते हैं और इसी बीच में हमारे जो लोगों को सही से शिक्षित नहीं करा पा रहे हैं, तो फर्स्ट फोकस हमारा जन जन जागरूकता मंच का यही है कि उन बच्चों को जो छोटे उम्र में काम पे लग जाते हैं उन्हें हम लोग देख के समझ के उसको ले आकर शिक्षित बनाएंगे। जब तक वो शिक्षित नहीं होंगे वो सेल्फ डिफेंस नहीं कर पाएंगे, अपने आप को मजबूत नहीं बना पाएंगे। इसलिए पहला उद्देश्य हमारा जन जन जागरूकता मंच का यही है कि हम बच्चों को शिक्षित बनाएंगे। और दूसरा, महिलाओं आज भी हमारे गाँव के महिलाएँ सिग्नेचर नहीं कर पाते हैं, बैंक में कभी जाते हैं तो उन्हें अंगूठा लगाना पड़ता है। तो दूसरा हम लोग का काम है महिलाओं को सिग्नेचर करना सिखाना और उन्हें भी शिक्षित बनाना। और तीसरा सेफ डिफेंस, हमारा जन जन जागरूकता मंच कराटे स्कूल का भी ओपनिंग करेंगे। और साथ में अभी आप देख रहे होंगे ये नशा जो ड्रग्स है ये लोगों को मौत की तरफ लेके जा रहा है, और युवाएं जो हैं वो जो भविष्य बनते हैं आगे चल के वो अभी मौत के रास्ते में जा रहे हैं। तो हम लोग का जन जन जागरूकता मंच का एक ही मकसद है कि घर घर जाके ड्रग्स के बारे में लोगों को जानकारी देंगे कि इससे क्या खती होता है। लोग सोचते हैं कि अरे बच्चा कर रहा, नहीं, छोटे बच्चे जब माँ के गोद में रहते हैं तो माँ बाप बहुत शौक से बच्चे को पालते हैं। जब 17-18 साल का होता है जब वो ड्रग्स का नशा करता है तो वो तो चला जाता है लेकिन साथ में पीछे पूरा परिवार को भी मार के जाता है। इसलिए जन जन जागरूकता मंच एकदम पूरे ताकत से बस इसके लिए लड़ाई करेगा। और कुछ? ठीक है, आप लोगों का जो मतलब आप लोग बोले हैं कि ये सब आप लोग करेंगे, तो सबसे पहले आपने जो बोला कि शिक्षा, तो शिक्षा कैसे देंगे, मतलब किस तरह से शिक्षा? हम लोग का प्लानिंग है कि पहले घर घर जाके बच्चों को देखेंगे। हम लोग एक कोचिंग सेंटर करेंगे, फ्री कोचिंग सेंटर, जो ऑलरेडी हम लोग जगह ले चुके हैं आनंद बीच के पास में, अभी छोटा जगह है लेकिन जैसे जैसे बच्चा बढ़ेंगे हम लोग जगह को और बड़ा करेंगे। सेल्फ डिफेंस जो सिखाएंगे उसके लिए क्या चार्जेस रखे हैं? सेल्फ डिफेंस जो सिखाएंगे हम लोग इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है और कोई एक पैसा भी चार्जेस नहीं है, हम लोग फ्री एंड कॉस्ट कराएंगे। अच्छा, आप लोग का संस्था में कौन कौन सा सुविधा है खासतौर लेडीज और बच्चों के लिए किया जा रहा है? लेडीज और बच्चों के लिए हम लोग बहुत सारे, जैसे हमारे वहाँ बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे हैं, इसमें महिलाएं भी है जो आगे नहीं जा पाते हैं, तो उसके लिए हमारा संस्था सीढ़ी बनने का काम करेंगे, उनका टैलेंट को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जैसे अगर कोई डांस अच्छा कर रहा है लेकिन उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है तो हमारा संस्था उनके साथ कदम से कदम मिला के उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अच्छा, आप लोग का नेक्स्ट प्रोग्राम या फ्यूचर प्लान कब होगा और कैसे रहेगा? नेक्स्ट फर्स्ट प्रोग्राम हमारा संडे का प्लानिंग चल रहा है, प्लानिंग होने के बाद बता देंगे। जी, जन जन जागरूकता मंच जो आप नाम रखे हैं इसका प्रेरणा आपको कहाँ से मिला? जब हम जन जन जागरूकता मंच सोच रहे थे ना, जब हम छोटे थे ना, तो छोटे थे तो हम अपने गाँव में जब जाते थे तो हमारे दोस्त सब था, तो हम लोग सुबह जब उठते थे ना तो हम लोग का काम था विकेट ले लेना, फुटबॉल ले लेना और क्रिकेट खेल लेना, फोकस हमारा वहाँ होता था। लेकिन आज जब हम उसी जगह पे जाते हैं ना तो देखते हैं कोई बच्चा छोटा 12-14 साल का बच्चा रुमाल में लेके कुछ टांगते रहता है, कोई उधर कुछ करते रहता है, तो ये सब सोच के हम लोग सोचे कि अगर हम एक चीज, हम सब लोगों से बात किए, अपने सीनियर से बात किए लेकिन किसी पर डिपेंड करके कुछ नहीं हो रहा था, तो हम लोगों ने आपस में विचार किया कि दूसरे को बोलने से अच्छा है कि हम लोग खुद ही कुछ करें। तो बस ऐसे आनंद जी ने बैठे थे, बैठते बैठते एक चीज किया तो नाम सिलेक्ट करते करते तो फिर जन जन जन, मतलब जन जन हमारा जो स्लोगन है इस स्लोगन में ही दम है, जन जन का यही है नारा, ड्रग्स मुक्त हो वार्ड हमारा। इस नारा को आप लोग इतना पॉपुलर कीजिए ये हर वार्ड के काम में आएगा। अच्छा, आप लोग क्या ये सिर्फ आपके वार्ड के बच्चों के लिए ही करेंगे या फिर मतलब? शुरुआत हम घर से करना चाह रहे हैं कि घर में अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो फिर बाहर तो करेंगे। और ये जो नारा है ना इसमें कोई वार्ड नहीं है,
इस सब वार्ड के लड़का कर सकता है, युवा कर सकता है, जिनको लगे कि जन जन का यही है नारा ड्रग्स मुक्त हो वार्ड हमारा। अगर हम जन जन के पास जाके अगर जागरूक करते हैं ना, तो फिर हमें नहीं लगता है कि ये ड्रग्स बहुत दिन हम लोग के बीच में रह सकेगा, इसको हम लोग खत्म कर सकते हैं, क्योंकि इसको अकेले कोई नहीं कर सकता है। अगर हम प्रशासन के ऊपर सोचते हैं ना कि पुलिस वाला को हम बुलाएंगे वो पकड़ के ले जाएगा, तो वो नहीं कर सकता है। हम सोचेंगे कि हम करेंगे, वो भी नहीं करेंगे। आपको आना होगा, जब तक आप हमारे कदम से कदम नहीं मिलाएंगे ना, तब तक इस नशा को हम लोग खत्म नहीं कर सकते हैं। अगर जब कदम से कदम मिला लेंगे ना, तो इसको खत्म होने से कोई रोक। इस काम में कितने सदस्य हैं? अभी फिलहाल में हम लोग 15 सदस्य मिलके किए हैं, लेकिन रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है। अभी व्हाट्सएप ग्रुप खोले थे तो बहुत सारे लोग आए, तो 50% मतलब 50 लोग अभी तक आ चुके हैं। इसमें कुछ बिजनेसमैन हैं, कुछ डॉक्टर हैं, उन लोग बोले हैं कि हम लोग आपके साथ हैं, आप बढ़िए। आप लोगों का सेवा ही धर्म है, बहुत अच्छी लाइन है। और आप लोगों का बैनर पे नो ड्रग्स शेनो ड्रग्स लिखा हुआ है, जो ऑलरेडी आप ड्रग्स का लाइन पे इन्वॉल्व हो चुके हैं, सेवन पे चले जा चुके हैं एकदम अंदर, उस हिसाब से उन लोगों को क्या करेंगे आप? नहीं, उनको हम लोग कुछ नहीं करेंगे, उनको उनको करेगा जन, जिनके पास हम जा रहे हैं। हम अगर करने जाते हैं तो बहुत तरह का गतिविधि हम लोग के साथ लग सकता है, तो हम चाहेंगे कि उस वो करे, उनको जब जन करेगा ना, जिनको हम अगर हमारे घर के पास में कोई, हमारा घर है तो घर को झाड़ू हमें ही लगाना है ना, दूसरा कोई आगे नहीं लगा जाएगा। हम जानकारी दे सकते हैं आपको, हम आपको बता सकते हैं कि इससे क्या हो सकता है, कितना क्षति हो सकता है, लेकिन हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते। तो ख़त्म आपको ही करना है, और कोशिश कीजिएगा, अगर हमारी आवाज़ अगर आपके मीडिया का तुरंत की नहीं किसी लोग के पास पहुंच गए, किसी व्यक्ति का जो समझ पाते हैं कि इससे क्या खती होता है, तो हमारा रिक्वेस्ट है कि वो अपने बगल वाले को समझाए कि इससे ये हो सकता है, आप जागरूक होइए और जन जन जागरूकता मंच कदम से कदम मिलाइए। कोई कॉन्टैक्ट नंबर आपका? कॉन्टैक्ट नंबर हमारा है 9064।